हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को लेकर के। अगर आपका प्लान ओमान कंट्री में आने के लिए है 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से वीज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस वीज़ा पर आप आकर के ओमान में वर्क कर सकते हैं और किस वीज़ा पर आप ओमान में वर्क नहीं कर सकते, और वीज़ा का ड्यूरेशन कितना होगा और वीज़ा का टोटल प्राइस कितना होगा। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ज़रूरी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले हम बात करेंगे विजिटिंग वीज़ा को लेकर के। पहले ऐसा होता था कि विजिटिंग वीज़ा में ओमान के अंदर में जब आप आते हैं, जॉब वगैरह सर्च करते हैं, अगर आपको मिल जाता है तो आपको 50 रियाल पे करना होता था और आप इधर बिना एग्जिट हुए आप इधर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर आप विजिटिंग वीज़ा पर ओमान के अंदर में आते हैं, अगर आपको इधर जॉब वगैरह मिल जाता है, तो आपको एक बार एग्जिट होकर के फिर से 2 इयर्स का जो वर्क वीज़ा होता है उस पर आपको दोबारा आना होगा। अभी ऐसा जो न्यू रूल चेंज हुआ था 2023 के लास्ट में, तो ऐसा हुआ था कि अगर आप विजिटिंग वीज़ा पे ओमान के अंदर में आते हैं, जॉब वगैरह आपको मिलता है, अगर जॉब मिल जाता है तो आपको एक बार एग्जिट करके नए वर्क वीज़ा पे आ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यही एक मेजर चेंजेज हुए थे विजिटिंग वीज़ा को लेकर के। देखिए, विजिटिंग वीज़ा जो होता है 3 टाइप का होता है। नंबर पे जो होता है एक्सप्रेस वीज़ा, ये होता है आपका 21 डेज का, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते और इसका जो टोटल कॉस्ट आता है वो आपका आता है 20 रियाल। दूसरा नंबर पे जो आता है वो है विजिटिंग स्पॉन्सर वीज़ा। इसमें होता है कि आपका रिलेटिव भाई अगर कोई आना चाहता है तो आप अपने स्पॉन्सरशिप पर आप उसको ओमान के अंदर में बुला सकते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 मंथ और आप आ करके जॉब अगर सर्च कर सकते हैं और इसको अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप 1 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। टोटल जो होता है ड्यूरेशन जो इसका होता है 4 मंथ होता है और इसका टोटल प्राइस है वो होता है 30 रियाल और इसको आप 1 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन आप एक्सटेंड करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पे जो होता है विजिटिंग ऑन स्पॉन्सर वीज़ा, ये आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं अपने होम कंट्री से या किसी एजेंट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। ये भी इसका जो ड्यूरेशन होता है ये भी 3 मंथ का होता है, इसको भी आप 1 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो हम बात करेंगे आज़ाद वीज़ा को लेकर के। देखिए, आज़ाद वीज़ा जो है अभी ओमान में इसका हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो अगर आप आज़ाद वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हैं तो अभी इसके लिए सही टाइम नहीं है, क्योंकि पहले भी ओमान गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट नहीं करती है अगर आप आज़ाद वीज़ा पे इधर आते हैं। क्योंकि देखिए, आज़ाद वीज़ा का हालत ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि आप आज़ाद वीज़ा पे जाएं, अपना काम करें और आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अभी जो है रिसेंटली जो है ओमान में आज़ाद वीज़ा की हालत जो है बहुत ही ख़राब है। जो पहले से इधर लोग पड़े हुए हैं उनको ही जॉब नहीं मिल रहा है, तो नए आज़ाद वीज़ा वालों को कैसे मिलेगी। इसमें जो है रिस्क ज़्यादा है, आपका अपना फूड है, रूम है, सारे चीज़ जो है वो आपका अपना है। देखिए, इसमें जॉब का कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर 10 दिन मिलेगा फिर 10 दिन आपको बैठना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है और इसमें इसको जो है ओमान गवर्नमेंट अभी सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर आप आज़ाद वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर किसी के कहने पे कर रहे हैं या अपने खुद से भी प्लान कर रहे हैं आज़ाद वीज़ा के लिए, तो ये आप ना करें कि गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट के साथ पेश आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी देखे भी होंगे इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया है। तो वीज़ा जो है अगर आप प्लान कर रहे हैं या अगर आप ऐसे अगर माइंड में है तो आप आज़ाद वीज़ा के लिए ना सोचें, क्योंकि आज़ाद वीज़ा जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसमें टेंशन ज़्यादा है और आपको जॉब की भी कोई गारंटी नहीं है। आज़ाद वीज़ा वाले लोग को गवर्नमेंट भी अभी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आज़ाद वीज़ा नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। आज़ाद वीज़ा के जो है प्राइस भी ज़्यादा होते हैं कि 500-600 रियाल होते हैं, उसके बाद से आप अगर किसी से लेते हैं तो मंथली ओमानी जो पर्सन आपको देते हैं उनको भी आप 10 रियाल 15 रियाल करके मंथली देना रहता है। तो देखिए, ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसको आप ना ही लें तो सबसे अच्छा है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे बिजनेस वीज़ा को लेकर के। बिजनेस वीज़ा देखिए जो ओमान के लिए अभी ओमान में सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप बिजनेस वीज़ा वगैरह लेते हैं तो अभी के टाइम के लिए अभी के टाइम में बहुत अच्छा है। पहले ऐसा होता था कि आप कोई भी बिजनेस वगैरह करें तो ओमानी को पार्टनरशिप में रखना होता था और आपका जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा उसके साथ शेयर करना होता था, लेकिन अभी जो है ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं ओमान के अंदर में आप इजिली सेटअप कर सकते हैं। कंपेयर टू अदर GCC ओमान में बिजनेस करना जो है अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आसान है और आपको ओमानी को भी बहुत सारे बिजनेस में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से उसके आप ओनरशिप पे उसको ओपन कर सकते हैं। और देखिए, बिजनेस वीज़ा में जो है वो आपको 6 मंथ का टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस पूरा करने के लिए। 6 मंथ आपके लिए इनफ टाइम है, उससे पहले ही ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं, उससे पहले ही आप इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए, बिजनेस वीज़ा जो है अभी सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ओमान आपके लिए सबसे बेस्ट है अभी के टाइम में। और जब ये आपके सारे फॉर्मेलिटी पूरे हो जाएंगे तब आप उसको वर्क वीज़ा में चेंज भी कर सकते हैं और आपको टू ईयर्स पर आप उसको रिन्यू कराते रहें और आप इजिली इधर बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है अभी किसी ओमानी को नहीं रखना
रखना रहता है। पहले लोग इधर बिजनेस करने से डरते थे कि पहले ऐसा था कि आपको ओमानी को पार्टनरशिप में रखना रहता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये ज़्यादा आसान हो गया है। जो भी आप अगर बिजनेस वगैरह करते हैं उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका अपना होगा। कुछ जो अभी भी शॉप हैं जैसे बार्बर शॉप हो गया या ड्राई क्लीनर हो गया या आपका ब्यूटी पार्लर वगैरह हो गया, तो इसमें जो है ओमानी का पार्टनरशिप चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बिजनेस हैं जो कि आप इजीली सेटअप कर सकते हैं, उसमें किसी भी ओमानी की ज़रूरत नहीं है और आप इजीली सेटअप करके आप अच्छे खासे पैसे इधर कमा सकते हैं। और बिजनेस वीज़ा का अभी सिचुएशन ऐसा है कि इसमें जो है ओमान गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्मेलिटी जो है ये लोग जल्दी से कवर कर देते हैं कि आप आएँ अपना पैसे लगा करके इधर बिजनेस करें। तो उससे क्या होगा कि कंट्री को भी फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होता है, तो ये सबसे बेस्ट है अभी के टाइम में। अब बात करते हैं कि वर्क वीज़ा को लेकर के। देखिए, अगर आप बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते हैं तो वर्क वीज़ा पर अगर आप आते हैं तो वर्क वीज़ा जो है कभी भी बेहतर है, क्योंकि वर्क वीज़ा अगर आपके पास ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं है, आप अगर बिजनेस वगैरह सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो वर्क वीज़ा जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप इधर वर्क वीज़ा पे हैं, इसमें ओमान गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और आप 2 ईयर्स के वर्क वीज़ा पे आकर के इधर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ऊपर मैंने बताया आपको विजिटिंग वीज़ा हो गया चाहे आज़ाद वीज़ा हो गया, तो आज़ाद वीज़ा के चक्कर में नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। आप वर्क वीज़ा में आकर के ओमान में वर्क करें, 2 ईयर्स का वर्क वीज़ा जो होता है उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा और आप इधर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। वर्क वीज़ा का बेनिफिट आपको ये है कि कंपनी जो आपको रूम वगैरह देती है, बहुत सारे कंपनी फूड वगैरह प्रोवाइड करती है, मेडिकल इंश्योरेंस सारे आपके चीज़ें जो हैं कवर करते हैं, और आपका एक फिक्स ड्यूटी रहता है और आपको भी पता रहता है कि हम किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं और हमको वहाँ क्या करना है, कितना मेरा सैलरी है। आप विदाउट टेंशन आप इधर वर्क कर सकते हैं कंपेयर टू आज़ाद वीज़ा। वर्क वीज़ा जो है ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपके पास अगर उतने सेटअप वगैरह नहीं है, बिजनेस इधर नहीं डाल सकते, तो आप वर्क वीज़ा के लिए ट्राई करें। तो वर्क वीज़ा जो है वो अभी के टाइम में किसी भी जीसीसी कंट्री में जाएं, मैं ओमान कहीं नहीं, किसी भी जीसीसी कंट्री में जाएं, तो वर्क वीज़ा जो है सबसे बेस्ट है। कि एक बार अगर आपका वीज़ा लग गया तो आप 2 ईयर तक विदाउट टेंशन आप वर्क कर सकते हैं और इसमें कंपनी आपके सारे चीज़ें जो हैं वो आपको कवर करती हैं। ये रहा वीज़ा के हवाले से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। थैंक यू।